हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि रिविट स्ट्रक्चर के अंदर जो है हम कॉलम को कैसे असाइन करें। कॉलम यानी कि हमारा स्ट्रक्चरल कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउजर में। आपके पास यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउजर में दो स्ट्रक्चरल प्लान है, फाउंडेशन लेवल और ग्राउंड फ्लोर लेवल, ठीक है। तो अभी हम रहेंगे यहाँ पर फाउंडेशन लेवल में। अब हम फाउंडेशन लेवल के ड्राॅइंग एरिया पे आ जाते हैं यहाँ पर सेंटर में, ठीक है। तो ये जो है आपका ड्राॅइंग एरिया, आप ये जो फुटिंग्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में ड्रॉ करे थे, ठीक है। हाउ टू असाइन फुटिंग्स इन रिविट स्ट्रक्चर वाले ट्यूटोरियल में हमने ये फुटिंग्स ड्रॉ करी थी, ठीक है। अब कॉलम्स, इस फुटिंग्स को जो है हमें कॉलम असाइन करना है, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से इसका 3D व्यू बताता हूँ। यहाँ पर ये जो है आपका फुटिंग का 3D व्यू है, ठीक है। तो अभी हम आ जाएंगे फाउंडेशन लेवल प्लान पे, स्ट्रक्चरल प्लान पे 2D में, और हम जाएंगे कॉलम असाइन करने की। कॉलम असाइन करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर रिबिन में, रिबिन में जाकर स्ट्रक्चर टैब में जाएंगे। स्ट्रक्चर टैब में जाने के बाद यहाँ पर कॉलम पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज पैलेट में जो है आपको डिफॉल्ट लोडेड कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप उसमें से जो है टाइप सिलेक्टर को क्लिक करके आप अलग अलग कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है स्टील स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो साइज का कॉलम होना, आप वो साइज का कॉलम सिलेक्ट कर ले सकते हैं। सपोज आपको अगर ये कॉलम की साइजेस चेंज करना है, यानी कि ब्रेथ और इसकी हाइट चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं डायमेंशंस में, ठीक है। और ये तो हो गया इसके एडिट करने के ऑप्शंस। और आपको जो है यहाँ पर टू इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस है, एक हाइट और डेप्थ का, और यहाँ पर अनकनेक्टेड का, ठीक है। अगर आप चाह रहे कि आप जो है फाउंडेशन लेवल से ग्राउंड लेवल तक एक कॉलम ड्रॉ करें, तो आप उसके लिए क्या करें, यहाँ पर हाइट सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जो है यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट कर लें। फिर जब आप यहाँ पर कॉलम ड्रॉ करेंगे, तो आपका कॉलम जो है फाउंडेशन लेवल से ग्राउंड फ्लोर तक आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। फाउंडेशन लेवल से ग्राउंड फ्लोर तक आपका कॉलम आ गया, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका कॉलम जो है फुटिंग के, यानी के फाउंडेशन लेवल से नीचे आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करें, आप यहां पर जाएं रिबिन में, रिबिन में जाकर स्ट्रक्चर टैब सेलेक्ट करें, यहां पर कॉलम पे क्लिक करें और यहां पर हाइट ऑप्शन को जो है आप डेप्थ से चेंज कर दें और इसको अनकनेक्टेड रखें, ठीक है। तो आप जब यहां पर कॉलम ड्रॉ करेंगे, तो आपकी फुटिंग जो है, आप जैसा कि यहाँ वार्निंग पे देख सकते हैं, यहाँ बता रहा है कि हमारी फुटिंग जो है नीचे मूव हो गई, तो आपका कॉलम जो है इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ऊपर डेप्थ सेलेक्ट करेंगे और अनकनेक्टेड रखेंगे, ठीक है, तो इससे हुआ क्या, आपका कॉलम जो है बेस ऑफसेट -9 फीट, यानी कि फाउंडेशन लेवल से -9 फीट आ गया। आप जो है इसको यहाँ से भी चेंज कर ले सकते हैं, इसका टॉप लेवल जो है आप ग्राउंड फ्लोर कर दें और इसको जो है यहाँ पर 0 कर दें और यहाँ पर अप्लाई कर दें, तो आपकी फुटिंग जो है ऊपर आ जाएगी और आपका कॉलम भी जो है बराबर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह जो है आप रिविट स्ट्रक्चर के अंदर जो है कॉलम्स को असाइन करते हैं, ठीक है। अगर आपको सपोज कॉलम को जो है एडिट करते वक्त कुछ भी डाउट्स आ रहे हो, अगर आपको कॉलम को असाइन करते वक्त कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम जो है आपको इसका जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।